जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रिंकू फिर से लेकर आया हूं एक नए वीडियो। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि देखा आपने थंबनेल में, आज जा रहे हैं दीदी का ससुराल। तो उससे पहले थोड़ा लक्ष्मी का जूता का जो अंदर का रहता है वो है नहीं जूता में, तो पहले उसको करवाते हैं ठीक, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तब तक ये मोची जो है वो जूते को ठीक कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा देर वेट करेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग हैं तब चाची मोड़ पे, तो अभी जूता ठीक हो रहा है, तब तक वेट करते हैं। उसके बाद अब देख सकते हैं मोची का औजार ये सब जिससे ये काम करते हैं, जूते चप्पल बनाते हैं। और ये देख सकते हैं लक्ष्मी और सुप्रिया हैं जो कि साथ में जा रही है। और ये है तुपचाची का हाईवे, और इधर देख सकते हैं आप ऑटो स्टैंड है। तो अब रोड को कर लेते हैं क्रॉस, उसके बाद बैठते हैं ऑटो में और चलेंगे राजगंज की साइड। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं राजगंज के लिए, तो बने रहे ब्लॉक पे और देखें। तो फाइनली हम लोग राजगंज घुस चुके हैं, अब थोड़ी दूर में ही मार्केट है, राजगंज का मोड़ है, तो वहाँ उतरेंगे ऑटो से और ऑटो चेंज करना है हम लोग को। तो देख सकते हैं हम लोग बैठे हुए हैं ऑटो में, और ये है राजगंज का मोड़। तो हम लोग यहाँ अब उतरेंगे और यहाँ से फिर एक ऑटो पकड़ेंगे दूसरी, जो कि जाएगी तिलैया बहचिया। तो फाइनली हम लोग उतर गए हैं और इधर कुछ दिख रहे हैं सब्जी वाले, तो थोड़ा सा देख लेते हैं सब्जी भी। ये देख सकते हैं सब्जी बेच रहे हैं इन लोग यहाँ पे। बहुत ही शाम को भीड़ होती है यहाँ पे, अभी तो उतना नहीं है बट शाम में बहुत सारा भीड़ होता है। तो अब थोड़ा चलते हैं हम लोग कपड़े की दुकान, लक्ष्मी को कुछ ख़रीदना है, तो चलते हैं, एंटर करते हैं। और यहाँ दो दुल्हनियाँ खड़ी हैं जो कि मेरी नहीं है, और चलते हैं अंदर और लेते हैं इनर, शायद इनर लेना है लक्ष्मी को। तो आगे आगे जा रही है वो, फिर अंकल दिखाने वाले हैं, बोल दिए हैं इनको। और देख सकते हैं आप ये दुकान पवन वस्त्रालय है राजगंज का, तो यहाँ अंकल दिखा रहे हैं इनर। फाइनली हो गया है, अब प्राइस हम लोग पूछ रहे हैं तो देख रहे हैं भाई साहब, और फाइनली 270 रुपये हुए। तो आगे चल के बिल पे करना है यहाँ पे, तो अंकल को दे रहे हैं पैसे, फिर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो जाने टाइम कुछ और लेना था, तो हम लोग के दिमाग में आ रहा था कुछ नहीं, तो ले लिए हैं ये, देख सकते हैं यही वाला लिए हैं, क्योंकि दो बंदर रहते हैं वहाँ पे उनके लिए। तो फाइनली पैसे दे दिए हैं, अब ये लेंगे हम लोग और चलेंगे आगे ऑटो की ओर। तो फाइनली अब राजगंज से हम लोग निकल गए हैं तिलैया बहचिया के लिए, तो बने रहे आप ब्लॉग पे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा दूर बाद आने वाला है डोमनपुर, और वहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके यहाँ से ये तिलैया बहचिया की रोड पकड़ चुके हैं। और आगे बड़ा सा बोर्ड मारा हुआ है गिरिडीह देवघर, ये रास्ता गिरिडीह देवघर भी जाता है। तो देख सकते हैं आप नज़ारा कितना अच्छा है, और इधर
रोड भी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ एक मंदिर दिख रही है, बहुत ही अच्छा व्यू है मंदिर का, देख सकते हैं। ये है मंदिर, पता नहीं क्या मंदिर है, कौन सा भगवान का। और यहाँ एक दादी को आप देख सकते हैं रोड पे बर्तन धो रही है, ये रही। चलो आगे और दिखाते हैं एक बैलगाड़ी जो कि पार हो गई। और ये है बनस्थली स्कूल, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है स्कूल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तिलैया बचिया, अब हम लोग उतरेंगे यहीं पे और जा रहे हैं घर। ये है अंशुराज जो कि मज़े ले रहा है, और हम लोग घर के अंदर एंटर कर गए हैं। और आप देख सकते हैं दीदी का ससुराल, ये हैं जीजा जी जो कि मोबाइल में बिजी हैं, और इधर हैं सासू माँ, और इधर हैं दीदी जो कि बहुत खुश हो गई हैं हम लोग को देख के। आप देख सकते हैं, और ये है अंशराज, इसको ठंडा लग रहा है अभी तक। तो शाम हो गई है तो हम लोग सोचे ठंड लग रही है तो हम लोग आग जलाए हुए हैं, वो भी देसी जुगाड़ में। तो अब देख सकते हैं हम लोग आग ताप रहे हैं, और यहाँ पे टमाटर दिए हैं पकने के लिए, रात को चटनी बनाने वाले हैं अभी। तो टमाटर भी पक गए हैं, और चलो अब खाना खाते हैं। और देख सकते हैं हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और सभी लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। ये लक्ष्मी है जो कि अपना चेहरा छुपा रही है, पता नहीं क्यों इसको शर्म आ रही है। तो फाइनली दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।